सलमान है, ट्रेनिंग मैनेजर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर डिपार्टमेंट हाई पाकिस्तान। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा अपने इस साल की हायर के इस साल की जो सबसे टॉप की सीरीज थी IF सीरीज, उसके फीचर्स के बारे में। तो इसके डिटेल में जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आप उनको ईजिली देख सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके IF सीरीज के बारे में। तो ये डिजिटल इन्वर्टर प्लस रियल फ्रेशनेस एक्सपर्ट सीरीज थी जो कि हम लोगों ने हायर ने इस साल लॉन्च की थी। इसके अंदर डिजिटल क्या आता है, ये स्मार्ट इन्वर्टर है, डिजिटल इन्वर्टर है। इसका जो पैनल है वो डिजिटल है जिसमें टेम्परेचर जोन की ऑप्शन है, रैप और फ्रीजर पोर्शन और रैप पोर्शन का टेम्परेचर देख सकते हैं। टेम्परेचर सेट से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इसके अंदर तीन एक्स्ट्रा फंक्शन दिए थे, पावर कूल, पावर फ्रीज और फजी का, जिससे आप इंस्टेंट कूलिंग और फ्रीजिंग और फजी से आपका पूरा रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिक में चला जाएगा। तो इसकी डिटेल वर्किंग, इसके यूजेज के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। अब इससे आगे फीचर्स की बात करें तो इसके जो फजी फंक्शन है उससे ये ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर कैसे सेट करता है अगर हम उसकी बात करें तो उसका ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस रेफ्रिजरेटर का वो ये है कि इसके अंदर दिए हैं हायर ने चार सेंसर। जी हाँ, चार सेंसर्स हैं। आपको मैं सेंसर की पोजीशन दिखा देता हूँ, दो एक्सटर्नल है और दो इंटरनल है। जब एक्सटर्नल सेंसर की हम बात करते हैं तो एक ऊपर इस जहाँ पे फ्रीजर का जो डोर की हिंज है उसके अंदर है, और जो दूसरा इसका एक्सटर्नल सेंसर है वो इसके बैक साइड पे कंप्रेसर के साथ है। और जब इंटरनल सेंसर की बात करते हैं तो एक सेंसर इसका इस फ्रीजर के अंदर है, ये देखें, और एक सेंसर जो है इसके फ्रिज पोर्शन में है इस स्लाइडिंग ट्रे के नीचे। तो ये इसके चार सेंसर्स हैं। इन सेंसर्स का पर्पस क्या है, जो एक्सटर्नल सेंसर्स हैं वो बेसिकली बाहर के माहौल के टेम्परेचर को इस पैनल को कमांड दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर इस टाइम कितना है और आपको कितनी कूलिंग अंदर रिक्वायर्ड है। वो उसके लिए आपका जो अंदर के सेंसर है वो बता रहे होते हैं कि अभी आपके अंदर वाली साइड पर कितनी कूलिंग अचीव हो चुकी है। तो वो ये जो पैनल है इन दोनों कमांड को रिसीव करने के बाद कंप्रेसर को कमांड देता है, और जो कंप्रेसर है उसकी वर्किंग को कंट्रोल करते हुए हम अपनी डिजायर्ड कूलिंग को इसके अंदर अचीव कर लेते हैं। उसके बाद अगर इसके कंप्रेसर की बात करें तो इसके अंदर हायर ने दिया है FD इन्वर्टर कंप्रेसर जो कि सेकंड जनरेशन है, फ्लेक्सिबल ड्राइव है, उसकी ड्राइव को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके ड्राइव को कंट्रोल से मिला दिया है कि उससे आप जो है अपनी डिजायर्ड कूलिंग के हिसाब से कंट्रोल करते हैं और आपकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम से कम होती है। उसके बाद इसके फ्रीजर पोर्शन की बात करें तो फ्रीजर पोर्शन में आप देख सकते हैं दो LED लाइट्स हैं जो कि इसको मोर ग्लो देती हैं और कंज्यूमर को फ्रीडम देती है, वो इजीली अपनी चीज़ों को इसके अंदर रख भी सकता है और निकाल भी सकता है। उसके बाद इसके अंदर टेम्पर ग्लास शेल्फ्स हैं जो कि 120 kg तक का वेट बियर कर सकती हैं, और 5 एवेपोरेटर हैं जो कि आपके डीप फ्रीजर को देता है -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक की डेप्थ कूलिंग। उसके बाद अगर हम रैप पोर्शन की बात करते हैं तो ये देखिए जी, इसके सबसे पहले तो सामने ये है TA-BATI फैन। इसमें टर्बो का फंक्शन भी है प्लस एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी भी है। टर्बो का फैन क्या करता है, बेसिकली आपकी सारी शेल्फ्स के ऊपर इंश्योर करता है कि जो कूलिंग है वो बैलेंस रहे, और जो एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है वो आपकी जितने भी फूड या वेजिटेबल्स या जो भी आपने फूड इसके अंदर रखा है, कुक मील है या मिल्क है, उसके ऊपर बैक्टीरिया को अटैक करने से रोकता है, 99.9% बैक्टीरिया को किल करता है। और उससे क्या होता है, उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, और अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसकी स्मेल को दूसरी चीज़ के अंदर आने से भी ये रोकता है। तो ये है जी इसका एंटीबैक्टीरियल फंक्शन। उसके बाद है जी स्लाइडिंग ट्रे। ये स्लाइडिंग ट्रे इसके अंदर मौजूद है। इसका पर्पज़ क्या है कि आप इसको स्लाइड आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल के आप अपनी भारी चीज़ें, केक या कोई चीज़ ऐसी है वो आप इस पर रख के आप इसको स्लाइडिंग कर सकते हैं, यानी कि भारी चीज़ें, डेलिकेट चीज़ों की हैंडलिंग इससे ईजी हो जाती है। उसके बाद ब्यूटी एंड केयर बॉक्स है। पहले आपके एग्स और सारी चीज़ें मिक्सअप पड़ी होती थी, अब ये एक अलग से बॉक्स, डेडिकेटेड बॉक्स दिया है। इसके अंदर अपनी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर रख सकता है, इसके अंदर अपने लिपस्टिक्स वगैरह, मेडिकल जो फ्रिज आइटम्स है उसके अंदर रख सकता है। और उसके बाद क्या है, वो इसमें मिक्सअप भी नहीं होती और वो सिक्योर भी रहती हैं। अपनी IF सीरीज के अंदर जो आप ये सीरीज सारे डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर क्रिस्पर बॉक्स के ऊपर दिया है SCS का फंक्शन। ये SCS का फंक्शन जो है, ये इंश्योर करता है क्रिस्पर बॉक्स के अंदर मोर देन 90% ह्यूमिडिटी, जिससे आपकी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो डबल अर्से तक फ्रेश रहते हैं, यानी कि उनकी लाइफ जो है वो दो गुना ज़्यादा हो जाती है। SCS स्टैंड फॉर ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम, जो कि इस वेजिटेबल बॉक्स के अंदर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसीलिए हायर क्लेम करता है कि जो डिजिटल इन्वर्टर प्लस जो सीरीज़ है जो इस साल लॉन्च की थी, ये चीज़ों को 2 times ज़्यादा देर के लिए फ्रेश रखता है। तो ये है जी इस सीरीज़ के सारे फीचर्स।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे समझ आए होंगे और आप लोग जो चाहे अगर इसको देखेंगे, इसको सुनेंगे और आने वाले जो भी आपके पास कस्टमर है, जो आपके फ्लोर पे कंज्यूमर आ रहा है, आप उसको अच्छे से गाइड करेंगे। और जब आप उसको अच्छे से गाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो शॉप है, जो फ्लोर है, उसकी सेल बूस्ट हो जाएगी। तो ये थे जी आज के फीचर्स। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे नए फीचर्स के साथ।